नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज के दिन जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से कुछ एक क्वेश्चन का मुझे पता चला है दोस्तों। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के ही बताए गए थे, मुझे विद्यार्थियों ने बताए थे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि आपने आज एग्ज़ाम दिया हो और आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को यह पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि दिन का एग्ज़ाम कल है, ठीक है ना, वो उन क्वेश्चनों को तैयार कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो जरूर सेंड करें। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन, ए व बी एक नियत स्थान से ए के समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यदि ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट ज़्यादा लेता है तो कुल दूरी क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा कुछ भी खास नहीं है क्वेश्चन में, ये ए और ये बी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर इनकी स्पीड, स्पीड ए की कितनी है 40 है, और बी की कितनी है 50 है। ठीक है ना दोस्तों, इससे हम कैंसिल करेंगे तो इनके स्पीड ये हो जाएगी 4 और 5, स्पीड का रेशियो ये। ठीक है, तो दोस्तों टाइम होता है, टाइम टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के ठीक विपरीत होता है, तो इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यदि ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट ज़्यादा लेता है, ठीक है, तो देखिए ए का समय ज़्यादा है, यहाँ पर 5 रेशियो इसके 4 रेशियो, इनमें अंतर कितने का है, 1 रेशियो का। तो आपका जो 1 रेशियो है ना, वो 15 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के? 15 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुल दूरी ज्ञात करनी है, तो दोस्तों हम कुल दूरी ज्ञात करेंगे तो वो ए के हिसाब से ज्ञात कर लेते हैं। ए कितना समय ले रहा है? 5 रेशियो है ए का। ठीक है, 1 बराबर 15 है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 15 को 5 से गुणा, यानी कि 75 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, 75 मिनट। अब दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है, दूरी यानी कि दोस्तों डिस्टेंस। ठीक है, ये हम निकालेंगे तो दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड गुणा टाइम। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी है, ए की, ए से निकाल रहे हैं पहले हम, ए की स्पीड कितनी थी 40, ये मैंने 40 रख लिया, 40 ही तो थी क्वेश्चन में, थी ना। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, 75 मिनट लग रहा है, इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे, बट्टे में 60 लगे, काटेंगे दोस्तों तो ये 2 बार और ये कितनी बार, 3, और इससे इसको काटेंगे तो 25, और 25 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो हमारा आंसर जो वो आ जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, इसे आप इससे भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या था, 15 मिनट थे। ठीक है, इसे मैं यदि 4 रेशियो से गुणा कराता बी के हिसाब से निकालते तो 60 होता, यानी कि 1 घंटा। ठीक है, और यहाँ पर वो जो इसकी चाल कितनी है, 50 50 को 1 से गुणा कराते तो भी यहाँ पर 50 किलोमीटर ही आता। तो दोस्तों किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स वाई एक काम को क्रमशः 8 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकती है, यानी एक्स तो 8 दिन में करता है और वाई कितने दिन में करता है, 18 दिन में। ठीक है, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पहले दिन एक्स काम करे, अगले दिन वाई काम करे, फिर एक्स फिर वाई, इस प्रकार चलता रहेगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपका एक्स और वाई, एक्स कितने दिन में करा है, 8 दिन में। ठीक है, वाई कितने दिन में करा है, 18, दोनों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो हो जाएगा आपका 72, कुल काम कितना है, 72 है, टी डब्ल्यू यानी कि टोटल वर्क। अब ध्यान से देखिए, जब एक्स 8 दिन में 72 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 9 काम। वाई 18 दिन में 72 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम, यानी कि दोस्तों 18 का भाग दे दिया 72 में, 18 8 का भाग दिया 72 में, इस प्रकार ये 9 और 4 हमारे यहाँ से आ चुका। अब दोस्तों टोटल काम है 72। ठीक है, अब देखिए पहले दिन कौन काम करेगा, एक्स करेगा, और अगले दिन कौन काम करेगा, वाई काम करेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक्स, ठीक है ना, पहले दिन एक्स काम करेगा और कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। ठीक है, अगले दिन कौन काम करेगा, वाई काम करेगा और कितना काम कर देगा, 4 काम। दोस्तों यहाँ पर देखिए, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है 13 काम, कितना काम, 13 काम। हमें काम कितना करना है, 72, हमें तो 72 के पास पहुँचना है। देखिए 13 के पारे में 72 के नज़दीक क्या है, 72 तो नहीं है, 65 आ रहे हैं, हमें काम बनाना है 65। ठीक है, तो 13 काम कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि 65 बन जाए, तो आप बोलोगे जी 5 से। ठीक है, यहाँ पर 2 दिन थे, 2 को भी 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों देखिए 10 दिन में जो आपका है 65 काम हो चुका है। ठीक है, अब हमें काम करना है वो बाकी है 7 काम। ठीक है, तो अगले दिन काम कौन करेगा, अगले दिन काम करेगा दोस्तों एक्स। ठीक है, एक्स को काम कितना करना है, एक्स को काम करना है 7।
ठीक है, और वो एक दिन में करता कितना है, 9, तो 7/9 लिखना है। टोटल जो होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, 10 दिन पहले से लगे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 10 सही 7/9 दिन। ठीक है ना, इससे शानदार ट्रिक इसकी नहीं बनती, इसकी कोई और ट्रिक नहीं है, यही एक ट्रिक है और यही इसका बेसिक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से होने वाला है, सीधा ये नहीं होता। 8, 21, 13, 21 के प्रत्येक पद में कौन सी, यहाँ पर 31 है, मैं कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि वे समानुपाती हो जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं पहले इसको लिखता हूँ अनुपात के रूप में 8/21, ठीक है, और इसको जब हम लिखते हैं तो 13/21, 31। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है वो देखना आप। शुरू में मैं 4 जोड़ूँ तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 25, ये तो कुछ बनेगा नहीं, तो यानी ऑप्शन ए तो नहीं, ऑप्शन बी में आते हैं। बी से मैंने यहाँ पर रखा 5 और यहाँ पर रखा 5, ठीक है, तो ये कितने हो चुके हैं, ये आपके यहाँ से हो चुके हैं सॉरी 13/26। इसे मैं निकालता हूँ तो ये आते हैं 1/2 है इस साइड का, ठीक है, इस साइड देखते हैं, इस यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 जोड़ा, ठीक है, ये 18 और ये 36, इसका भी हमने सरलतम रूप निकाला था 1/2। तो दोस्तों 5 जोड़ने पर यह संख्या समानुपाती हो जाती है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ से हो जाएगा 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 168 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, 3 संख्याओं को जोड़ रहे हैं ना, तो हमारा जो टोटल है वो कितना हो रहा है, 168। ठीक है, हम यदि यहाँ पर एवरेज देखें तो राशियों का योग कितना हो रहा है, 168। ठीक है, राशियों की संख्या कितनी है, 3, 3 का हम इसमें भाग देंगे तो दोस्तों 15 तक जाएगा, 5 बार, 1 बचेगा। ठीक है, और आगे है 8, 18 में जाएगा आपका 6 बार, यानी कि दोस्तों 56 यहाँ से आपका है, लेकिन दोस्तों 56 है वो एवरेज है, एवरेज को मध्य मान भी बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक संख्या तो इससे पहली है और एक संख्या इसके बाद में है, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या है, एवरेज हमेशा मध्यमान होता है, तो बीच वाली संख्या यह है, अगले संख्या 57 होगी और पहले वाली संख्या क्या होगी, 55 होगी। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर 57। ठीक है, यदि हमें छोटी पूछता तो 55 हो जाता और बीच वाली पूछता तो 56 का 56 ही रहता, यही इसकी शानदार सी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/3 में से क्या घटाया जाए ताकि भिन्न 4/21 हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें से यही घटाना है। ठीक है ना, तो 2/3 - 4/21, ठीक है, घटाइए। अब देखिए दोस्तों, आप इसे घटाओगे तो आप लेस लोगे जो कि 21 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे तो नीचे 21 बनाना है, तो इसको मैं कितने से गुणा कराऊँ कि 21 बन जाए, 7 से, तो ऊपर भी 7 से, तो 2 7 कितने हो जाएगा, 14, -21 है इसमें तो 4। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 10/21। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x/y = 5/2 तो 4x + 2y = 4x - 2y क्या होगा। यानी कि दोस्तों x का मान यहाँ से 5 और y का मान है 2, तो हमें तो यहाँ पर मान रखना है, तो 4 का 4, x का मान यहाँ से कितना था 5, ठीक है, -5 + 2, y का मान कितना है 2, ठीक है, बट्टे देखिए 4 - 5 - 2 - 2, क्योंकि प्लस और माइनस का एंटर, 4 × 20 + 4 और बट्टे 20 - 4, ठीक है, 20 और 4 24, और बट्टे में आप करोगे 16, तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3/2, 8 के पहाड़ी से पेंसिल होकर, और ज़्यादा हल करोगे तो 1 से 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन थे जो कि मुझे मिले, मैंने आपको बताए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।